हेलो अस्सलाम वालेकुम नमस्कार। क्योंकि हम सुंदर नगर आ चुके हैं, प्रायः यहाँ आज 10 साल से आते हैं, लोगों के सूचना पर घर दफ्तर दुकान मकान कुआं में गिर जाए, मछली के जाल में फंस जाए, वो सांप को पकड़ना और पुनर्वास हेतु जंगलों में से बड़ा पहाड़ी में छोड़ना। और यहाँ एक हमारा फ्रेंड है माननीय अजय जी, कहाँ पर यही अजय जी का प्रयास रहता है कि हमेशा हमें फोन से सूचना देते हैं कि मुबारक जी एक सांप हम लोग पकड़ के रख दिए हैं, तो ले जाइए। तो आज आज जो ये सांप पकड़ा, कौन कौन पकड़ा है, क्या क्या नाम है? विष्णु गुराय जी पकड़ा है। अच्छा अच्छा, घर में मिल के सब ये रेस्क्यू किया है, पकड़ा है नहीं है, ये रेस्क्यू किया हुआ है, ये हमें दिया जा रहा है क्योंकि हम इसे एक फॉरेस्ट में छोड़ देंगे। तो देखिए ये जो सांप है ना, ये अगर आप सच देखिएगा तो एक बकरी का बच्चा को खा लेगा। कैसे खाएगा ये अभी देख लीजिए। अजय जी इसको पकड़िए आप, ये झपटता है, झपटता है, देखिएगा। एक बार अगर दांत गड़ा दिया सर, थोड़ा सा पीछे कीजिए सर, बस 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 बस, एक बार अगर दांत गड़ा दिया तो आधा केजी आपका मांस ले लेगा। हिंदी में इसे अजगर, बंगला में मोयाल और इंग्लिश में इसे इंडियन रॉक पाइथन कहते हैं। इसका जो खास करके जो मुख आहार किया है, खरगोश है, छोटा छोटा सियार का बच्चा है, बकरी का बच्चा कोई बड़ा आसानी से खा लेगा। और ये बिल्कुल जहरीला नहीं है, लेकिन इसके मुंह में 200 से भी ज्यादा दांत है, लेकिन 20 दांत नहीं है, इसमें जहर वाला दांत नहीं है। हाँ, बहुत ज्यादा दांत है। हम कोशिश करेंगे, कहा लल्टू जी जरा वो हुक दीजिए, लल्टू इतना जोर का काटता है कि काटने के बाद लोग, देखिए यही दांत है इसका, देखना बहुत दांत है। हाँ, दूर दूर रहिए सर, लेकिन इसमें 20 दांत नहीं है, ये कुछ खाया हुआ है। देखिए पेट यहाँ फूला हुआ है, पेट इसका फूला हुआ है, यानी कुछ ये खाया हुआ है। तो साथियों बहुत अच्छा लग रहा है कि जीव जंतु आप लोग बचा रहे हैं। जय हिंद जय भारत। फॉरेस्ट में रिलीज कर रहे हैं, क्योंकि रिलीज होने से हमें बहुत खुशी होगी और रिलीज करने का आनंद ही कुछ अलग है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें एलिगेशन लगाते हैं कि मुबारक जी सांप पकड़ते हैं छोड़ते नहीं हैं, तो चूंकि आप जानते नहीं हैं कि इसे हम कहाँ छोड़ रहे हैं, ये बहुत बड़ा फॉरेस्ट है जहाँ हम इसे रिलीज कर रहे हैं, चूँकि पुनर्वास हेतु ये अपने घर में चला जा रहा है। धीरे धीरे गाछ वृक्ष पेड़ पौधा कट रही है, इसे बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए किस तरह धीरे 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 वो अंदर में, हमें ऐसा लग रहा है कि कोई गुफा है, उसी में ये समाता हुआ चला जा रहा है। तो साथियों जय हिंद जय भारत, और हम गर्व से कहेंगे वंदे मातरम, वंदे मातरम।